बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़। आपके साथ एक ज़बरदस्त नई रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइड पोटैटो बॉल्स। बिल्कुल जिस तरह से नाम आपके लिए नया है, इसी तरह ये रेसिपी भी आपके लिए बिल्कुल नई होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बेसन के लड्डू जो हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, बहुत फीडबैक मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलें, आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरी रेसिपी को जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरह फॉलो करते जाएं। और जो लोग नए देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। चलें, मैं आपको अपने इन्ग्रीडियंट्स बताऊँ। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए हमें आलू चाहिए। ये देखें, मेरे पास दरमियानी साइज़ के आलू थे 6, मैंने इसको बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया है। एक छोटे साइज़ का टमाटर मैंने, इसकी जो है मैंने ऊपर की स्किन ली है, अंदर के जो बीज हैं उसको मैंने साफ़ करके स्किन को जो है मैंने ये देखे कितना बारीक चॉप कट किया हुआ है। ये गाजर है हमारे पास छोटा सा, उसको मैंने जो है बिल्कुल बारीक चॉप कट कर लिया है। ये शिमला है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कट कर लिया है। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्चों को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये मेरे पास हरा धनिया है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ऑनियन है, प्याज, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक जो है चॉप कर लिया है। तमाम वेजिटेबल्स बिल्कुल बारीक चॉप कटे हुए होने चाहिए। ये देखें, स्पाइस जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, ये हमारे पास है अजवाइन 1 टीस्पून, कलौंजी है मेरे पास 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर है मेरे पास, पाउडर और कर्श दोनों टाइप के हैं, ये है मेरे पास 1 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये कसूरी मेथी है, ये है मेरे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत जो आपको जायके में पसंद है। ये मेरे पास कॉर्न फ्लोर है, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं, और ये मेरे पास मैदा है, ये भी 2 टेबल स्पून है। 1 एग्स है जो हम अपने इसको तैयार करने में यूज़ करेंगे। ये आलू है, मैंने इसके ऊपर की स्किन को उतार लिया है इसके छिलकों को। ये मैं, जाहिर सी बात है फ्रेंच फ्राइज़ पोटैटो बॉल्स बन रहे हैं तो इसके लिए, ये देखा आपने मेरे पास एक कश कटर है, इसके लिए मैं इस तरीके से मोटे मोटे, ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा भी मोटे नहीं करने हैं। ये देखें, इस तरह से जो है मैंने आलुओं को जो है वो कश कर लिया है। दोनों आलुओं को मैं इसी तरह से कश कर लूँगी। ऑयल हमें चाहिए डीप फ्राई के लिए, 2.5 कप जो है वो बिल्कुल मुनासिब होंगे। 2.5 कप ऑयल जो है वो मैं डालूँगी अपनी कढ़ाई में फ्राइंग के लिए। आए दोस्तों, हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये आलुओं को मैं अच्छे से चूर कर लूँगी, यानी कि बहुत अच्छे से इसे मिक्स करूँगी, कोई इसमें साबित आलू के पीसेस ना रहें, बहुत अच्छे से आपने इसे मिलाना है। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल इस तरीके से जो है आलुओं को जो है आपने तोड़ लेना है, कोई इसमें मोटे इसके पीसेस ना रहें, बहुत अच्छे से आलू जो है वो हमारे मिक्स हो जाएं। तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूंगी और फिर इन्हें भी बहुत अच्छे से मैं आलुओं में मिला लूंगी। ये देखिए, मैंने आलुओं को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल मिक्स करूँगी, 1-2 टेबल स्पून मैंने इसमें शिमला डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो डाला है, 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें गाजर डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें प्याज डाला है, 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, मुझे पसंद है तभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, आप अपने स्पाइस के हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया इसमें डाला है। अब मैं इन चीज़ों को आलुओं में मिक्स करूंगी हल्के हाथ से, बहुत उससे नहीं।
ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्न स्टार यानी कि कॉर्न फ्लोर डाला है, और ये देखिए हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। ये देखिए मैंने कॉर्न स्टार, कॉर्न फ्लोर और मैदा डाल करके मैंने अपने आलुओं को बाकी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। अब मैं अब इसके बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए मैंने हाथों में अपने ऑयल लगाया है, ऑयल लगाने के बाद ये मैंने लिया है इतना सा, अब मैं इसके छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह के जो हैं ये मैं बॉल्स बना करके तमाम जितने मेरे पास ये बैटर है आलुओं का इसके मैं बॉल्स बना करके रख दी जाऊँगी। ये देखिए दोस्तों मैंने तमाम जो आलुओं का जो मिक्सचर था उसके बॉल्स बना कर लिए हैं। ये 1 eggs है, मैंने इसको तोड़कर मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने तोड़ लिया है, माशाल्लाह फ्रेश है अंदर से एग। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। ये देखिए आलू जो हमने स्लाइस बिल्कुल काट कर रखे थे ये मैंने एक ट्रे में फैलाया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है फ्लार है वो मैं डालूँगी, सही है, मैदा, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास कॉर्न फ्लार था वो मैं डालूँगी। डालने के बाद इसको मैंने मिक्स किया, पहले ही से इसे मिक्स करके नहीं रखना है, जब हमें फ्राई करना होगा उसी टाइम में ये प्रोसीजर करूँगी। और ऑयल जो है 2.5 कप ऑयल जो है डाल करके मैंने अपनी कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है ताकि ऑयल भी हमारा एक तरफ गर्म होता रहे। ये देखिए मैंने जो है बॉल्स, पोटैटो बॉल्स को ये लिया, अंडे में डिप किया। अंडे में डिप करने के बाद मैंने ये जो मेरे पास पोटैटोस कटे हुए थे मैंने उसके साथ जो है इसको अच्छे से कवर कर लिया। ये देखा आपने दोस्तों ज़बरदस्त था, इसके साथ हमने इसको कवर करना है। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था हमारा ये कवर हो गया है। ये देखा आपने, अब ये देखें मैं इसको हाथ की मदद से भी थोड़ा सा जो है प्रेस कर लूँगी। ये देखें ये हमारे पास कवर हो गया है। अब मैं इसको साइड में रखती जाऊँगी, इसी तरह मैं अपने तमाम बॉल्स को जो है इन आलुओं में कवर करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें मैंने तमाम आलुओं अपने जो है बॉल्स को कट आलू में जो मैंने फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में कट किए थे बिल्कुल बारीक उसमें मैंने कोट कर लिया है। अब मैं इसको फ्राइंग करूँगी, और मैंने चूल्हे पे पहले ही से 2.5 कप ऑयल डाल करके उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए दोस्तों मेरी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल गर्म हो चुकी है, सही है, और ये मैंने इसमें अभी फ्राई किया था कुछ, तो वो उसी ऑयल को मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। ये देखें अब मैं इस ऑयल में अपने ये बॉल्स जो हैं पोटैटो बॉल्स वो एक एक करके डालूंगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये देखिए हमारे बॉल्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको टर्न उस वक्त करूँगी जब नीचे लाइट गोल्डन हो जाएगा, तो मैं इसे टर्न कर दूँगी। तकरीबन नीचे हो चुका है, ये देखें आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें लाइट गोल्डन हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे जो हैं अपने बॉल्स जो हैं फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी बॉल्स को जो है मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं सबको टर्न करूँगी, बाकी भी मैं इसी तरह से फ्राई कर कर निकालूँगी। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त से ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। मैंने चारों तरफ टर्न आउट करके इसे बिल्कुल गोल्डन फ्राई जो है कर लिया है। अब मैं इसे निकालूंगी, ये देखें आप माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा ये हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखा आपने कितने ज़बरदस्त से ये हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कितना डिफरेंट लुक है। मैं यकीन किसके साथ कह सकती हूँ इससे पहले आपने ये रेसिपी बिल्कुल नहीं बनाई होगी, और अगर बॉल्स बनाए भी हैं पोटैटो बॉल्स लेकिन इस स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे। बहुत मज़ेदार है,
बहुत ज़ायकेदार होता है ये। अपने किचन में इसको लाजमी बनाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने पड़ोसियों को खिलाएं, अपने मेहमान आते हैं उन्हें आप बनाएं, बना करके एक डिश का इजाफ़ा करें। बहुत डिलिशियस, बिल्कुल न्यू लुक रेसिपी है। बड़ी मेहनत होती है नए आइडियाज़ को आपके सामने शेयर करने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखें। देखने के बाद जो न्यू लोग हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें, और अपनी फीडबैक से जो है आगाह किया करें कि हमारे जो है मैं कैसा वर्क कर रही हूँ, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, वाओ ये देखें क्या ज़बरदस्त से ये फ्राई हुए हैं। और एक चीज़ आपने नोट किया, ये हमारे वेजिटेबल्स सारे के सारे आपको अलग अलग से दिख रहे हैं, कितना कलरफुल लग रहा है। ये ऊपर से भी कलरफुल है और अंदर से भी कलरफुल है। तमाम वेजिटेबल्स जो हैं अपने कलर्स के साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत कलरफुल ये हमारा जो है पोटैटो बॉल्स जो है तैयार है। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। बस अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान यूं ही हज़ार नेमतों से सजाए रखे और आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।